लग रहा है कहाँ की वीडियो है नहीं पता आई थिंक न्यू यॉर्क है आई थिंक न्यू क्यों लग रहा है बिल्डिंग्स की वजह से। हाँ <laughs> मैं बात बात बताऊँ आपको कि हमारी थोड़ी बहुत दुश्मनी भी रहती है इंडिया इंडिया uh... oh. ये आप जरा तस्वीरें देख लेना ये उनके यहाँ हो रहा है Yeah. पर चल कर रहे हैं इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है थोड़े से मॉडरेट भी हैं भारत बहुत आ बहुत आगे मैं तौर पे भी गया हूँ देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है हमें जीरो बम्बई है ठीक है, है।, है, है जो सपनों का शहर का आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में बहुत तरक्की हुई है सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है एंड इट्स सो वेल डिवेलप उनके तो प्राइवेट मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं कैन यू बिलीव इट मैंने जैसे ही कहा कि थोड़े से मॉडरेट भी हैं तो फिर तो मुझे याद एक आया कि नहीं, नहीं है ख्याल तो आया कि मुंबई के अलावा भी पूरा इंडिया है तो यहाँ दिखा के वो एक शाइनिंग इंडिया दिखा देते हैं दुनिया को लेकिन बाकी इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है खबरें है ना आ जाती होती हैं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर कराची को समझा जाता है तो सर क्या कहेंगे इन दोनों शहरों में कितना डिफरेंस है बॉम्बे का तो कराची का कोई तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता तो नो कंपैरिजन मतलब देखा जाए तो कराची बहुत पीछे रह गया क्योंकि पाकिस्तान जनरली पीछे रह गया ये वजह हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा हमें तकरीबन सौ साल लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने सौ तो साल लगेगा नहीं दो घंटे का सफर इंडिया चले जाए पहुँच जाएंगे उधर अच्छा आप इस तरह की डेवलपमेंट पाकिस्तान में देखना चाहेंगे बिल्कुल जरूर इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं देखना चाहेंगे और वो कैसे और कब होगी

ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है भारत घूमने आने वाले पाकिस्तानी भी भारत की तरक्की देखकर पगला जाते हैं क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत ने पिछले दस सालों में पकड़ी है वो कमाल किया है समुद्र के ऊपर बनने वाला अटल सेतु ब्रिज हो या दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक्सप्रेस आज पूरे भारत में तरक्की अपने चरम पर है पाकिस्तानी पहले वीडियो देखकर भारत के शहरों को न्यूयॉर्क और हांगकॉन्ग से कंपेयर करते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि यह भारत का शहर है तो फिर मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी मीडिया ने उन्हें हमेशा से भारत का नब्बे की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बना बल्कि भारत ने अपनी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसे साबित भी किया है तो चलिए इस आगे इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों को मुंबई की चगा चौन देखकर बौखलाते हुए देखते हैं दुबई हाँ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नहीं हाँ चाइना चाइना हो सकता है वैसे इंडोनेशिया नहीं हो सकता और कौन सा हो सकता है यार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है लेकिन नहीं साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका यार क्या बात है यार आपने बिल्कुल गलत बताया आप बताएं हांगकांग हांगकांग नहीं है चाइना भी नहीं है यूरबन कंट्रीज नहीं, जितनी कंट्रीज आती सबका नाम बता दिया मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में से एक है चाइना China... हमारे एक मुल्क में है हमारे मुल्क में हमारे आस पड़ोस के मुल्क में इंडिया, इंडिया ही हो सकता है हां इंडिया ही हो सकता है मुंबई हो इस तरह है या मुंबई हो सकता है फिर मुंबई हो सकता है तो इंडिया इतने तरकी है नहीं नहीं ना आपको क्या लगता है जापान हो सकता है सर जापान हो, हो सकता है सर आपको क्या लगता है इतना तरक्की या हो सकता नहीं सर। नहीं सर, नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं हो सकता। गरीब मुलक है कहाँ तरक्की कर रही है अच्छा ये बताएं कि चलो मैं आपको हिंट देता हूँ ये इनके साथ हमारे बॉर्डर भी लगते हैं। मैं तो फिर कराची बोल दूंगा कराची बोल। मुझे पता है कराची में भी ऐसा हो सकता है कराची कराची में हो सकता है ये ऐसे आप कराची से मैं कराची से महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी से तो मैं ये कराची है इतना तरक्की नहीं।, नहीं है ये नहीं ना ये क्यों बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात कराची और पाकिस्तान का बॉर्डर एक ही है कराची पाकिस्तान का ही हिस्सा है जो उसका पुराना दारुल दारखिला था लेकिन आज इस्लामाबाद है तो क्या हुआ लेकिन दारुल हुकूमत कराची पहले था कराची के हालात बताए जरा थोड़े से कराची के हालात अब माशाला काफी बेहतर है रोजगार भी है और चलते हुए रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं सर ये तो लाहौर में भी होता है और हर जगह होता है लेकिन वो यार गैरत की बात यहाँ पर बात वो वो नहीं है एक जो सच्चाई है जब तक मानेंगे नहीं उस चीज को स्नेचिंग होती है ना होती है कराची में ज्यादा है ये चीज कराची में सर ये हम लोगों के गन के पॉइंट पे कोई भी छीना छनाई कर देते हैं हाँ ले जाते हैं ये बात हमारे मुल्क की है ना इसे जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे कराची भी हमारा लाहौर भी हमारा जब तक हम मानेंगे नहीं तो चीजों को दूर कर पाएंगे नहीं, नहीं ना कर पाएंगे ये पता लगा की कौन सा मुल्क है नहीं ना पता लगा नहीं सर मैं जब बताऊँगा आप लोग हैरान हो जाओगे मैं बता रहा अच्छा बताए बताए ये कोई और नहीं है भाई ये कोई और मुल्क है ही नहीं है ये पता कौन सा मुल्क है कौन सा है? ये मुल्क हमारे पड़ोस का मुल्क है इसके साथ हमारे बॉर्डर भी लगते हैं बताएं, बताएं। यार ये बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे बता दूं। नहीं बता दूं। नहीं बता दो भाई हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है अच्छा इंडिया की बात की थी ना सर आपसे फिर आप, आप, आप क्यों नहीं माने नहीं आ, आपको मानना चाहिए मेरा मेरा बात मेरा काम कंफ्यूज कर रहे हैं है। आप मुझे पक्का बताते कि भाई ये मैंने देखा इंडिया में नहीं 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 नहीं, नहीं इंडिया, इंडिया का बोला आपने कहा इंडिया तो बड़ा गरीब लोग मुल्क है बहुत हमें यही तो बताया जाता है की बड़ा गुर्बत है आपको अंदाजा होता की इतनी बड़ी इमारतें हमने तो यूरोप में ही देखी है यूरोप में फिल्मों में देखी है ये समंदर के अंदर इतना बड़ा पोलो बना दिया बिल्कुल। जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है बहुत तरक्की हुई है ठीक 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 जी बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि ना सिर्फ ये बल्कि अब तो कहा जाता है कि हॉलीवुड से भी ज्यादा खाब देखने वाले और फिल्म्स में काम करने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो बॉलीवुड में आते हैं और वहां पर बड़ी तादाद हो गई है तो डॉक्टर साहब ये हमने ये जो देखा इसमें एक सवाल ना ये भी उठता है कि अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है तो जो पाकिस्तान है अगर हम इस में इसको देखें तो एक बड़ी बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना तो जी क्या जी। आप यकीन समझते हैं कि यही है सूरत हाल देखिये पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है ए, लोग दोनों तरफ एक ही हैं मेहनती हैं उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं हमारी जो हुकूमतें आई चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा स्वाये अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था उसके बाद बस लूट मार सियासी वो विन डेटा एक दूसरे के खिलाफ बगावतें हैं वो क्या कहते हैं नफरतें ये वो करते करते और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है जीरो ही हुआ है ना मसलन मुझे राजन खन्ना जो है जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है सैद मिठा बाजार वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं वो मुझे ले गए ताजमहल होटल में जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है इस्टेब्लिश डेढ़ सौ साल पहले पारसियों का है बहुत बड़ा है वो पूरा ताजमहल ही है समझ ले इतने कमरे और सबसे मॉडर्न तो मुझे वहां पर के यार चलो वहाँ चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल जब मैं एंटर हो रहा था इमिडिएटली आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल क्योंकि यहाँ पे लश्कर तेबा के जो हैं टेररिस्ट छब्बीस नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियाँ चलाई और इर्द गिर्द के इलाके लियोपोल्ड आ, कैफे को भी मैंने देखा एक है डेरीमान पॉइंट वो आ, उसको एक यहूदियों की कोई जगह है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियाँ चलाई और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है मुसलमान ग्यारह साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा ग्यारहवीं शरीफ वो शेख अब्दुल जिलानी का जो होता है उनके उर, उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से तो इन्होंने गोलियां मारी मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ तो ये लश्कर तब ने जो टेररिज्म की क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को नथिंग पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेरर स्टेट और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है ये